अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं लियारी की ग्वारी मंडी में। और हम यहाँ पर आए हैं तो अभी रेट वगैरह लेते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आज हिसाब किताब है जानवरों का। ये देखिए जानो, बैल देख फारूक वाला कैसा जबरदस्त है ना, प्यारा बैल है ना, टाइट। रेट माल वगैरह, बड़ा हाँ प्यारा रेट है, वगैरह पूछते हैं इनसे। माल बड़ा प्यारा है। तू फर्स्ट टाइम पर, आया हूँ मैं यहाँ मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ, पकड़ मोबाइल। मैं रेट वगैरह लेती है, तू हमारे पीछे पीछे आती है। आओ भाई, मार्केट में माल तो है, काफी माल है। अबे मस्त हुई है। आप आरोप चले, आगे चलते हैं आगे। क्या रेट मांग रहे हो? हाँ, दो दांत है, 10.5। हाँ ये वाला भी अपना है, इसका क्या मांग रही है वाली का? क्या मांग रहे वाली का? इसका क्या मांग रहे हो? ये रेट था, यहाँ भी ये रेट बोल रहे हो यार, इतना महंगा क्यों है भाई? जानवर है यार, ये देखो इसके भी 3 80 मांग रहे। कल हम लोग मलीर मंडी भी घूमे, उधर भी घूमे। 3 80 इसका क्या है? फाइनल क्या करोगे आप अपने आपके क्या अंदाजन? आप मांगो बोलो। हाँ सर, आप कुछ नहीं कहा सर, मतलब कि यार इस बंदा इस तरह से ना बताओ लगे। क्या बताओ, हमने तो हमारी तो इतना कोई ना 1.5, 1.75 की रेंज है हमारी उसका। इतना वही तो क्या मतलब क्या गया फिर भाई, हो गई फिर आपके क्या कहते हो, क्या होगा इसका फायदा? ये सामने जो ये वाला, ये वो ये वाला अब इसके फारूक देखते हैं आगे। बच्चे भी यहाँ रखे हैं हमारी तरह। ये भी अपना ही है, इसका क्या मांगोगे? इसके भी 1 20, उसके 1 50, उसके 1 50। भाई जरा ये होता, ये दो दांत है पूरी आंख का मसला है। अच्छा चाचा क्या मानते हैं? दो दान दो इसका। कल बनने ले लगा नहीं 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 है भाई, दुकान है, सौदा बनेगा, भाई को बुला लूंगा इधर। बिस्ती कर हमारी बिस्ती कर, कह रहे सिर्फ वीडियो बनाने हैं। समझ आएगा तो बात बना लेंगे, समझ आएगा तो बात बना। अबे दूध वाली है, कहाँ लेके जाएगा इसको? कल क्या मांग रहे इसका? ताज वाली का यार, मलिर में भी रेट है, यहाँ भी रेट है, क्या चक्कर है? इतना महंगा रेट है यार इस बार। ये देखे कि लियारी मंडी में इधर आए हैं, इसका हवा भी बहुत तेज है, और जिस तरह हवा तेज है उस तरह मार्केट भी बहुत तेज है भाई। हर जगह ये रोने को सुनने को मिल रहा है कि भाई खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आ जा उठ,
कितना प्यारा बैल खड़ा है यार, जबरदस्त सिस्टम है भाई। फारूक भाई रेट बढ़ाना पड़ेगा, जेब बढ़ानी पड़ेगी तभी जाके बात बनेगी, वरना मुझे नहीं लगता जानवर नहीं मिल रहा है। नहीं है भाई 2 लाख में, साढ़े तीन। अच्छा पता है मलिर मंडी में हमें यही सुनने को मिल रहा था, यहाँ भी सुनने को बोले भाई खर्चे बहुत ज्यादा, खर्चे बहुत ऊपर पड़े हुए, माल तो बहुत ज्यादा। अच्छा वो जो 2-10, 2-30 वाली बैग कह रहे ना वो ठीक है, जानवर अच्छा है, पर 1.5-1.7 लाख रूपए लगा है। बोला आखिरी 2.50 आखिरी 2.50 होगा, इससे नीचे नहीं कर सकते। लेकिन बीच बीच में खूबसूरत जानवर भी बहुत हैं, ब्लैक और वाइट अच्छा लगता है। हाँ उनको खूबसूरती भी ऐसी होती है ना यार, ये वाला देखो ये कैसा जबरदस्त है भाई। रेट बढ़ाना, ये 2.40 का एक, ये एक, ये 2.40 के दोनों, ये भाई इसका अभी हमने रेट लिया भाई से, इसका भी 2.40 बोल रहे हैं, इसका भी 2.40 बोल रहे हैं। फारूक क्या कहते हैं कितने तक में आखिर फाइनल हो जाएगा? मेरा ख्याल 2 लाख तक में हो जाएगी बात, नहीं नहीं पागल आगल हो जाएगा, 1.70-1.80 का ही देगी ना भाई। बहुत हद से हद से 2 लाख रुपये बोलेगा इसके, हद से हद, उससे नीचे नहीं जाएगा। यहाँ चले या वहाँ चले? आगे चलते हैं, यहाँ रिवर्स को दिखाओ कि हम यहाँ पर आए हैं, मंडी आए हैं। देखो अरे यहाँ तो नहीं, यहाँ चलते हैं, अंदर अंदर चलते हैं। रेट बहुत हाई है, रेट बहुत हाई बता। ये ब्लैक देखो इतना प्यारा लग रहा है, अच्छा मेरे को लग रहा है। सर ब्लैक पे क्या मांग रहे बॉस? बच्ची आगे बिकी हुई है और ये वाली हल्का वल्का जानवर तो दिखाओ यार, या तो 2 लाख 80 हज़ार रुपये बताओ। ये देखो इसका बताओ यार, ये ब्राउन वाली देखो कितनी प्यारी है, 4 लाख रुपए में ये बिकी हुई है भाई। दादा करो 4 लाख, देखो कितना खूबसूरत है यार, ब्लैक एंड व्हाइट। 3.5 किलो देगा सिंह भाई ये जानवर, ने 2018-2019 में लिए थे ये, 1.20-1.30 में लिए थे जानवर, यही जानवर 4-4 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब उनके पास चलते हैं, फारूक बेटा से बात करते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत शेप, देखो शेप, शेप देखो भाई, शेप ये शेप देखो कितना प्यारा है। अब शेप कैसे है शेप, वो भाई मेरे को जाना पहचाना लग रहा है, कौन वो जो उधर बैठा है क्या? हाँ भैया ये भी जानवर बचे क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात क्या करें, 1.80 बोल रहे हैं। 1.80 में क्या होगा यार, इसका लाखों में मारेगा भाई, इनका भरोसा नहीं है बच्ची का, बछड़े का। असाई छाला साई क्या मान रहे इसका? अरे साई तुम तो इतना पैसे बोल रहे हो, 1.60 में बछड़ी है चढ़ जाएगी। ऐसा बुलका दिखाओ यार, फारूक अल्हम्दुलिल्लाह। मंडी का सुना है, मंडी तो बहुत ज्यादा हाई चल रही है। बस मुल्क के हालात इस तरह के बन गए हैं कि हर चीज महंगी है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, चारे का मसला है, और हालात इस तरफ चले गए हैं कि ऐसा नहीं कि कीमत जो डिमांड कर रहे हैं मसनूई है, पीछे से लोगों की खरीदारी और पलाई बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि जो डिमांड करते हैं उसी पर लोग ले जाते हैं, जोड़ तोड़ होता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त माजी के नस्बत मन पे 10-12 हज़ार रुपये का फर्क आया। तो अभी रेट काफी, मतलब पिछले बार के मुकाबले में इस साल तो वैसे अभी क्या आपने माशाल्लाह अपना स्टॉल लगाया है? हाँ हमारा भी माल बन रहा है, ये सारा माल बन रहा है, हमारे सिल के दोस्त हैं। अच्छा 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 माशाल्लाह। तो ये हमारे महमूद रशीद साहब, ये हमारे अब्दुल रशीद साहब, अब्दुल रशीद साहब। भाई ने मुझे बोला खास के इधर जाना, तो इधर ये विजिट वगैरह करना, मैं आज घूमते घूमते एकदम आप पे नजर पड़ी, मैंने बोला इनसे मिलते हुए जाए। और लगी मंडी आपको? ये मंडी तो बेहतरीन है, पर रेट ख्याल है कि कराची की तमाम मंडियों में इस वक्त सबसे मुनासिब मंडी ये लियारी बकरा पीढ़ी है। अच्छा सबसे मुनासिब मंडी। अच्छा व्यापारियों के लिए भी,
बहरहाल खातों वातों के पैसे तो खैर खूब दबा के ठेकेदारों ने लिए हैं, लेकिन निस्बतन ये सिक्योर है, आबादी के बीच में है। नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर अमन ओमान का बड़ा मसला है, डकैतियां हो रही हैं, यही सुपर हाईवे पर मसला है, यही नेशनल हाईवे पर मसला है, तो निस्बतन ये सिक्योर है और फ्लो भी है यहाँ पर लोगों का, और जानवर भी हर वैरायटी का है, यानी बड़े से बड़ा जानवर भी यहाँ मौजूद है और छोटा जानवर भी मौजूद है, एवरेज भी मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि कराची के बायर के लिए एक अच्छा ऑप्शन खुल गया, तो हर किस्म का जो बायर है वो यहाँ पर आके मिल जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, अगर खरीदार लेने वाला होगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, कल ऐसी ही ऐसी बिल्कुल। तो अभी हम आगे देखते हैं, विजिट करते हैं, जानवर वगैरह देखते हैं, कुछ समझ आता है तो बनाते हैं इंशाल्लाह सौदा, बिल्कुल चलो हमारे लाइफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओ भाई आखिरी आखिरी सांस है ना, नहीं भाई खड़ा हो जाएगा, बीमार है गर्म लगा, तो बीमार है क्या, इसको तकलीफ देनी है, इसकी तो आंखें ऊपर चल गई, बेचारा बीमार है। आप लोग जैसे जैसे हम लोग आए हुए थे लियारी की बकरा मंडी में, जो है यहाँ पे रेट बहुत ही ज्यादा हाई थे, यहाँ पे रशीद साहब से हमारी मुलाकात हुई और जानवरों का रेट तो काफी ज्यादा था, कह रहे थे आप आए इधर बार्गेनिंग करें तो इंशाल्लाह रेट जो है ना वो बन जाएगा। प्लीज़ हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंशाल्लाह मिलते हैं कल, कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।